दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी गाड़ी की हेडलाइट अपग्रेड के बारे में। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी हेडलाइट अपग्रेड के बारे में कि कौन सा बल्ब लगवाना चाहिए, एलईडी लगवाना चाहिए या फिर आपको एचआईडी लगवाना चाहिए या फिर नॉर्मल जो आपका बल्ब है हैलोजन वाला उसी को अपग्रेड करना चाहिए। तो बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आ रही थी और क्वेरीज लाजमी भी हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है गाड़ियों में हम दो तरीके के मॉडिफिकेशंस कराते हैं। एक तो होती हैं जो हमें शौकिया तौर पे हम लोग कराते हैं, जैसे कि कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें गाड़ी में करा लिए, क्रोम लगवा लिया, दिस एंड दैट, तो चीज़ें शौकिया तौर पे होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनको कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो हेडलाइट अपग्रेड भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि जब भी आप कभी रात में हाईवे वगैरह पे निकलते हो और आपकी गाड़ी की हेडलाइट अगर इफ़ेक्टिव नहीं होती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हेडलाइट अपग्रेड ज़रूरी हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, किसमें क्या खर्चा आता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप ये वीडियो लास्ट तक अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई भी क्वेरी हेडलाइट से रिलेटेड तो फिलहाल नहीं रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गाड़ी के बाहर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम गाड़ी के बाहर आ गए हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपनी गाड़ी सामने खड़ी है। तभी इस गाड़ी में आप देखें तो इसमें बल्ब मैंने अपग्रेड कराए हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ ऐसे देख के लगता नहीं है कि हमने बल्ब अपग्रेड कराए हैं, क्योंकि जो अपग्रेड हुआ है वो सिर्फ बल्ब हुआ है। इसमें आप जो अंदर बल्ब देख रहे हो अभी, ये वाला बल्ब, तो पहले इसमें 55-60 वॉट का बल्ब लगा हुआ था जो स्टॉक बल्ब था, लेकिन उसकी जो लाइट है वो मतलब ठीक नहीं लगती थी मुझे। नॉर्मल सिटी ड्राइव के लिए तो अच्छी थी, लेकिन जब मैं हाईवे पे अपनी गाड़ी लेके जाता था तो मुझे परफॉर्मेंस सही नहीं लगती थी। तो मुझे फिर उसको अपग्रेड कराने की ज़रूरत महसूस हुई और मैंने उसको अपग्रेड करा दिया। तो अभी इसमें जो बल्ब लगा है ये 9000 का बल्ब लगा है, तो इसका ब्राइटनेस पुराने वाले बल्ब से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है और कोई इश्यू भी मुझे फ़िलहाल हाईवे वगैरह पर नहीं होता है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपके लिए कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं मार्केट में। तो देखिए पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि हेडलाइट दो तरीके की आती हैं बेसिकली। ये जो आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्टर है, आप इसमें देखिए पूरा बड़ा सा एक पैनल है, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन वाले आपको मटेरियल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आके आपकी रोड पर पड़ती है। तो इस तरीके की हेडलाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टर हेडलाइट। आजकल जो गाड़ियों में आ रहा है, बहुत सारी गाड़ियों में, इवन टियाओ के भी टॉप मॉडल में जो भी लाइट आ रही है वो आ रही है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में यहाँ पे एक छोटा सा आपको पोर्शन मिलता है, उसमें लेंस लगा होता है जो कि लाइट को बिल्कुल प्रोजेक्ट करके आगे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में बहुत दूर तक फेंकता है, तो उसको प्रोजेक्टर बोलते हैं। ये वाला आपका नॉर्मल रिफ्लेक्टर है। तो दो तरह की हेडलाइट आती हैं, एक होती हैं रिफ्लेक्टर जो कि ये है, और दूसरी आती है प्रोजेक्टर जो कि बहुत सारी गाड़ियों में आजकल आपको देखने को मिलती है। सिमिलरली दोस्तों सेम वे में आप ये देख रहे हो तो ये फॉग लैंप भी गाड़ियों में आते हैं, काफ़ी गाड़ियों की सेकेंड टॉप या टॉप मॉडल में आपको फॉग लैंप भी देखने को मिल जाते हैं। ये वाला जो फॉग लैंप आप देख रहे हो ये है नॉर्मल हैलोजन फॉग लैंप, किसी किसी गाड़ियों में प्रोजेक्टर फॉग लैंप भी आता है। तो दोनों में मतलब आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, कुछ गाड़ी में आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, कुछ गाड़ी में आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसे ही जैसे मेरी गाड़ी में है अगर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर नहीं है, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है अपग्रेड कराने के लिए। तो सबसे सस्ता और बढ़िया ऑप्शन जो मुझे लगता है वो ये है कि आपने बल्ब को ही सिर्फ अपग्रेड करा लीजिए, जैसे कि मैंने कराया है। मैंने इसमें 9000 के फिलिप्स के बल्ब लगवा दिए हैं, लेकिन जब भी आप बल्ब इसमें लगवाइए तो साथ में आप रिले ज़रूर लगवा लीजिएगा। तो रिले आप लगवाएंगे तो आपकी वायरिंग पर लोड नहीं पड़ेगा और शॉर्ट सर्किट होने का डर बहुत कम हो जाता है, तो आप रिले इसमें ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। तो मैंने इसमें रिले के साथ बल्ब अपग्रेड कराया, टोटल खर्चा जो मुझे आया था वो करीब 1900 रुपये का आया था, 1500 का रिले आ गया था, 400 रुपये के बल्ब आ गए थे, तो 1800-1900 में मेरा काम हो गया था। तो आप चाहें तो इस तरीके से 2000 के अंदर खर्च करके अपने हेडलाइट्स को अपग्रेड करा सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन अगर आप चाहते हो कि आपको और बढ़िया लाइट मिले तो ऑप्शन आपके पास क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस केस में आप क्या कर सकते हो दोस्तों कि आप अपनी हेडलाइट जैसे है उसको एज इट इज रहने दो। आप जो नीचे आपकी फॉग लाइट्स आपको दिख रही हैं, फॉग लाइट्स में आप प्रोजेक्टर एचआईडी लगवा लीजिए।
तो आजकल मार्केट में बहुत सारे HIDs अवेलेबल हैं जो प्रोजेक्टर सेटअप के साथ आती हैं और आपकी गाड़ी में जो फोग लाइट वाला एरिया है वहाँ पे सेट हो जाती हैं। उनकी कीमत आपको थोड़ा ज़्यादा डेफिनेटली पड़ेगी, वो करीब 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में दोनों आपकी आएंगी। लेकिन उसकी जो लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत बेहतरीन होती है। तो अगर आपका बजट अच्छा है और आप 15,000 से 20,000 रुपए खर्च कर सकते हो तो आप अपने जो फोग लाइट वाला एरिया है वहाँ पर आप प्रोजेक्टर HID लगवा लीजिए, क्योंकि HID की लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी वाइट लाइट होती है और उसका थ्रो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर तक उसका थ्रो होता है। तो नॉर्मल जो आपको हेडलाइट से लाइट मिलती है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको फोग लाइट से ही मिल जाएगी। तो आपको मतलब हेडलाइट बंद करके भी आप गाड़ी चलाओगे तब भी आपको बहुत बढ़िया लाइट मिलेगी। उसको मैच करने के लिए आप चाहो तो, क्योंकि नीचे वाइट लाइट होगी ऊपर एल लाइट होगी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो आप चाहो तो ऊपर आप नॉर्मल LED बल्ब से आप लगवा लीजिए तो 2,000 रुपये के आसपास आपके LED बल्ब आ जाएंगे और नीचे आपकी 15,000 रुपये में HID विद प्रोजेक्टर आ जाएगा, तो लगभग 17,000 रुपये में आपका पूरा सेटअप लग जाएगा। लेकिन फिर आपको लाइट में कोई भी इशू नहीं आएगा क्योंकि लाइट उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने दो ऑप्शन आपको बता दिए, एक तो मैंने बताया आपको कि आप बल्ब अपग्रेड करा लीजिए 9000 का, दूसरा मैंने आपको बताया कि आप नीचे प्रोजेक्टर HID लगवा लीजिए फोग लैंप वाले सॉकेट में। तीसरा ऑप्शन दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हो, जो कि काफ़ी लोग नॉर्मली करते हैं, को यहाँ पे LED लाइट्स लगवा लेते हैं, जो आपका नॉर्मल हेडलैम्प है इसके अंदर आपकी LED लाइट्स लगवा लेते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी LED लाइट्स के ब्रांड अवेलेबल हैं, कुछ लोकल ब्रांड्स हैं जो आपको 2,000 रुपये में पूरा पेयर देते हैं, मतलब आप दोनों अपने जो हेडलाइट्स हैं उसको अपग्रेड करा सकते हैं 2,000 रुपये में, LED बल्ब लग जाएंगे, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी आती है। दूसरा ऑप्शन है कि कुछ ब्रांडेड पे अगर आप जाएंगे जैसे ओसराम फिलिप्स है तो उसमें आपको करीब 4,000 से 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और आपको 2 LED लाइट्स मिल जाएंगी। अब LED लाइट लगवाने का देखो फ़ायदा क्या है, पहली चीज़ तो है उसकी वाइट लाइट होती है जो कि काफ़ी ट्रेंडी है तो देखने में अच्छा लगता है डेफिनेटली, लेकिन प्रॉब्लम करती है वो जब आप हाईवे पे चलते हो या फिर स्पेशली विंटर्स में, तो आपको जो हाईवे पे उसका थ्रो मिलता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है क्योंकि आगे बिल्कुल वो एक वाइट दीवार बन जाती है और आपको काफ़ी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़ सकती है अगर आप LED लगवाते हो, स्पेशली इस तरह से जो आपके रिफ्लेक्टर्स हैं। अगर आपका प्रोजेक्टर हेड लाइट है तो उसमें आप LED लगवाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसका थ्रो बहुत तेज़ होता है, फोकस करके बिल्कुल सीधी लाइन में जा करके बहुत दूर तक उसका थ्रो जाता है, लेकिन रिफ्लेक्टर्स में वो फैल जाती है और आपको अच्छा थ्रो भी नहीं मिलता और आपको नाइट में डेफिनेटली प्रॉब्लम भी आ सकती है हाईवेज पर। तो इसलिए LED जो लोग लगवाते हैं उनका थोड़ा सा शिकायत रहता है हाईवे पर और स्पेशली विंटर्स में। तो आप चाहें तो LED थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए मैंने भी LED नहीं लगवाई और मैं LED रिकमेंड भी नहीं करता अगर आपकी हेडलाइट्स इस तरह की हैं तो। प्रोजेक्टर अगर हेडलाइट है तो आप लगवा लीजिए, लेकिन इस तरह की हेडलाइट में LED थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको करती है। सिटी ड्राइव में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन हाईवे पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये तीन ऑप्शन मैंने आपको टोटल बताए, तो पहला ऑप्शन तो आपका बल्ब का हो गया, आप नॉर्मल अपना जो हैलोजन बल्ब है उसको अपग्रेड करा लीजिए, दूसरा हो गया प्रोजेक्टर HID लगवा लीजिए, तीसरा जो कि ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है लेकिन आप चाहें तो करवा सकते हैं कि आप LED बल्ब भी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन आ गए, नॉर्मल आपका अगर हेडलाइट है, अगर आपके पास प्रोजेक्टर हेडलाइट है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्टर हेडलाइट में आप चाहें तो उसमें, अगर आपकी प्रोजेक्टर हेडलाइट में हैलोजन बल्ब है तो आप चाहें तो उसमें LED लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बढ़िया लाइट मिलेगी, या फिर आपको और अच्छी लाइट चाहिए तो आप उसमें HID बल्ब लगवा लीजिए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं अगर आपके पास आपकी गाड़ी में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं। और नॉर्मली होता क्या है कि दोस्तों जिन गाड़ियों में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आते हैं उसमें आपको बल्ब नॉर्मली अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि उनका थ्रो ऑटोमेटिकली अच्छा ही होता है, क्योंकि प्रोजेक्टर्स का थ्रो बहुत अच्छा होता है तो उसमें आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अगर आपको उसमें येलो लाइट मिल रही है तो आप उसको अगर वाइट लाइट कराना चाहते हो तो आप उसमें LED या फिर HID करवा सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल है। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप LED पे जाओगे तो आपको क्या प्राइस मिलेगी, HID पे जाओगे तो आपको क्या प्राइस मिलेगी। तो दोस्तों यही थे कुछ ऑप्शंस जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे और आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी अभी भी है तो आप कमेंट करके मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।